एसपी को जिताना है, मोदी जी को खा को फेंकना है। भी मुद्दा विकास मुद्दा हो, कुछ भी मुद्दा हो, यहाँ का जनता कुछ नहीं समझता। यहाँ का जनता एक ही समझता है कि भाई हिंदू मुस्लिम जातिवाद। तो यहाँ पे जो है ना, नहीं तो रोजगार है, नहीं तो जो है ना गरीबों का कोई सहायता है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जीत जाएगा, एकदम जीत जाएगा 100%। प्रदीप सिंह को भी देखिए, 5 साल हम शहनवाज आलम को भी देखना चाहते हैं, हमारे लिए काम करता है या नहीं करता है। सर जी, हम लोग तो सरकार बदलने चाहते हैं। नमस्कार, मैं अरविंद झा और आप देख रहे हैं R24 न्यूज। लोकसभा चुनाव हो रहा है, उसी सिलसिले में अररिया में हम हैं। अररिया के सिमराहा और रेणु जी की धरती है। यहाँ पे आज शहनवाज आलम का सभा था, उसमें तेजस्वी यादव भी आए हुए थे समर्थन करने, और लोगों का हुजूम था, लोग उनके समर्थन में आए थे। अभी हम उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह से शहनवाज आलम को समर्थन कर रहे हैं, किस तरह से क्या मुद्दा है उनका। तो आइए सीधे लोगों से जुड़ते हैं, जनता से जुड़ते हैं, उनके मुद्दे जानने की कोशिश करते हैं, इस लोकसभा में उनका मुद्दा क्या है। तो आइए सीधे जनता से जुड़ते हैं। क्या नाम हो अभी आपका? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद साहब, अभी तो तेजस्वी यादव जी आए थे, शहनवाज आलम जी का यहाँ पे जनसभा था, जन आशीर्वाद सभा। हाँ। तो क्या लग रहा है लोकसभा में क्या होने वाला इस बार? इसका बहुत बड़ा जीत है, इसका ये जीता हुआ पार्टी है, जीत जाएगा, एकदम जीत जाएगा 100%। लोगों का हुजूम देख कैसा लगा? ऐसा लगा एकदम, पब्लिक कुछ कहते भी हैं, क्या कि बेरोजगारी है, मारा मारी चल रहा, उसके लिए वो नौजवान पार्टी है, उसको जिताएंगे। तो लोग पुरानी सरकार से नाराज हैं? ना, पूरा नाराज है। तो शहनवाज आलम जीत के आएंगे तो काम करेंगे, ऐसा यकीन है? इंशाल्लाह काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो काम, उसको पब्लिक वोट देंगे जिताने के लिए, काम करने के लिए ना, वो तो जीतेंगे। जो 17 महीना में जो है तेजस्वी यादव जो है कि वो नौकरी दिए हैं, तो पब्लिक उसको तो उमड़ के वोट देगा। करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में इनका मुद्दा क्या है। तो 7 तारीख को मतदान होना है लोकसभा चुनाव का, तो आपका मुद्दा क्या है इस बार? हमारा मुद्दा सबसे ज्यादा यहाँ पलायन है। यहाँ के लोग 60% आदमी बाहर रहते हैं घर बार छोड़ करके, और हम चाहते हैं कि इस बार सरकार बदली हो, ठीक है, और कांग्रेस की सरकार आए और ये पलायन रोका जाए। यहाँ फैक्ट्री रोजगार के विषय में काम हो, फैक्ट्री लगे, रोजगार लगे, यहाँ का आदमी बाहर देश बाहर जगह और सब जगह नहीं जाए, यहाँ पे खुद का काम करे, ऐसा हमारा सोच है। और इस जगह चाहते हैं, जैसे अभी हमने 10 साल मोदी जी को देखा, बहुत से उन्होंने भाषण दिए, बहुत से बात बताए, कुछ काम अच्छे भी किए, कुछ ऐसे भी है जो नहीं पहुंच पाए, फिर भी हम चाहते हैं कि बार बदली होकर देखा जाए और शहनवाज आलम को यहाँ से जिताया जाए। तो आप चाहते हैं कि बदलाव हो, जो पिछली सरकार थी उनके काम काज से खुश नहीं है, एक बार सरकार बदल के देखा जाए ये कैसा काम करते हैं? जी, एक बार सरकार बदल के देखा जाए ये कैसा काम करते हैं, यहाँ की जनता के बारे में क्या सोचते हैं, फिर नहीं तो 5 साल बाद ये भी बदली हो जाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि जितने भी आदमी आए हैं सारे मिलकर एक बार लालटेन छाप पे मोहर लगा दे और भारी मतों से विजय बना दे। 10 साल हम मोदी जी को भी देखे, प्रदीप सिंह को भी देखे, 5 साल हम शहनवाज आलम को भी देखना चाहते हैं, हमारे लिए काम करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करेगा तो फिर हम इनको भी बदली कर सकते हैं। तो भाई साहब की ताकत है, भाई साहब का मुद्दा है कि एक बार बदलाव करके देखते हैं, और यहाँ पे पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा, एक बदलाव करके देखते हैं क्या होती है। लोग आते हैं, नए लोग आते हैं तो काम करते हैं कि नहीं। भाई साहब मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सदरे आलम है, घर मदारगंज हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे? सर जी, हम लोग तो सरकार बदलने चाहते हैं, बस सरकार बदलना चाहते हैं। हम लोग का यही निर्णय है कि सरकार बदले, एक बार बने, सबको अच्छा तरीका से बढ़िया से देखे, और हम लोग का भी ये है कि हम लोग का भी बाल बच्चा भी आगे चलकर, और जो हम लोग के लिए अच्छा करेगा उसी के लिए अच्छा हम लोग करेंगे। तो पिछली सरकार से नाराज है? नाराज है सर, हर चीज से नाराज है। जो बोलता था गरीब को सब सामान मिलेगा, वो कुछ नहीं मिला। अच्छा काम नहीं किया? अच्छा काम कुछ नहीं किया, सब बर्बादी है। तो शहनवाज आलम को जिताएंगे और एक बार उनको मौका देंगे कि अच्छा काम उनका देखते हैं कि कैसा काम करते हैं। उनको भी एक बार मौका देंगे, उनको भी देखेंगे कि गरीब के लिए क्या कर रहा है शहनवाज जी, ठीक है। अगर वो देखते हैं गरीब के लिए क्या कर रहा है, अच्छा करेगा तो उनको फिर हम लोग पहले से भी सपोर्ट देंगे, नहीं करेगा तो फिर बदल के फिर चेंजिंग करके हम लोग फिर बनाएंगे। एक बार मौका देना चाहते हैं। मेरे साथ एक और सज्जन है, इनसे बात है। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद शाहिद आलम। शाहिद आलम जी, लोकसभा चुनाव आ गया, 7 तारीख को मतदान है, तो आप लोगों का क्या मुद्दा है? सरकार बदलनी चाहिए, इस सरकार से हम लोग आजीज हैं, है ना, और अनाप शनाप बिजली बिल आ रहा है, महंगाई देख कितना हो गया है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया,
हम लोग गरीब आदमी और बिहार बहुत गरीब क्षेत्र है सीमांचल, और हम लोग बहुत परेशान हैं, खेती बाड़ी नहीं हो रहा है, जहाँ मकई धान कटा रेट गिर जाता है तरह। तो महंगाई मुद्दा है। हाँ, महंगाई मुद्दा है। तो क्या लग रहा है शहनवाज आलम जीत कहेंगे तो काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे? वादा कर रहे हैं कि काम करेंगे और काम करेंगे अच्छा है। पिछली सरकार से नाराज है? हाँ, पिछली सरकार नाराज है। महंगाई मुद्दा? हाँ, महंगाई मुद्दा। और भी कोई मुद्दा है? बस महंगाई है। ऑफिस तो ऑफिस में लूट खसोट हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, घुस लिया जा रहा है, घुस लिया जा रहा है, सब प्लान कर रहा है, दिल्ली पंजाब हरियाणा जा रहा है, यहाँ काम रोजगार है ही नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है। पलायन भी मुद्दा है? पलायन भी मुद्दा है। क्या नाम हुआ आपका? जी MD समीम आलम। लोकसभा चुनाव आ गया है, 7 तारीख को मतदान है अररिया में, तो क्या क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? इस बार तो जो है ना आपको शहनवाज आलम ही यहाँ से जीतेगा, गठबंधन की ही सरकार बनेगा। और क्या तो बोलता है, महंगाई तो जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, 10 साल जो है ना विश्वास को अंधविश्वास बनाता एकदम चला गया है हमारे प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे जो है ना नहीं तो रोजगार है, नहीं तो जो है ना गरीबों का कोई सहायता है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। एक बार जो है ना गठबंधन सरकार को मौका दे के देखते है, फिर अगर जो है ना काम नहीं करेगा तो फिर आगे जो है ना बैठ के विचार होगा इसका। मतलब महंगाई मुद्दा है आपका? जी हाँ जी हाँ, हर एक किसी को एक बार मौका मिलना चाहिए। हम ऐसा थोड़ी नहीं कि हम अकेले ही कोई काम करते रहे, अरे एक दूसरों को ही मौका मिलना चाहिए ना एक बार। तो प्रदीप सिंह को 10 साल देख लिए हैं कि कैसा काम किया है? देख लिए, काम भी किया है पर अंधविश्वास वाला काम किया है। अंधविश्वास वाला काम? जी हाँ। शहनवाज आलम जीत कहेंगे तो अच्छा काम करेंगे ऐसा यकीन है? यकीन तो है, देखिए वादा तो कर रहा है, यकीन भी है, वादा भी कर रहा है, अगर नहीं करेगा तो फिर आगे बदला जाएगा, नहीं करेगा तो फिर बदल दीजिए, फिर बदल दिया जाएगा। भाई साहब का मुद्दा है कि यहाँ पे बेरोजगारी है, पलायन का मुद्दा है और अंधविश्वास का मुद्दा है, ये शायद धर्म के नाम पे जो वोट है उसको बोलना चाह रहे हैं, खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, तो एक बार बदल के देखना चाहते हैं क्या? नहीं, धर्म का इसमें कोई बातें नहीं है, धर्म का तो कोई बातें नहीं है। नहीं, बीजेपी अगर देखिए धर्म का मुद्दा तो कोई है ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके जो है अपना वोट बैंक बनाने के लिए हर कोई नेता चाहता है। नहीं नहीं, बीजेपी के ऊपर एक लांछन लगता है ना कि वो थोड़ा सा धर्म की राजनीति करता है। धर्म की राजनीति तो हिंदू मुसलमान जो करके जो है अपना वोट बैंक तो बनाता ही है, पर महंगाई को हटाता ही नहीं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। भाई साहब का मुद्दा महंगाई का है और पलायन का मुद्दा है। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार यादव। दीपक जी, युवा है आप, युवाओं का क्या मुद्दा है इस लोकसभा चुनाव में? तेजस्वी को जिताना है, मोदी जी को खा के फेंकना है। तेजस्वी जी को जिताना है, मोदी जी को खा के फेंकना है, बिहार से फेंकना है। फेंकना है, मोदी जी बोलता है कि हम जो सही कर दिए, मंदिर बना दिए, मस्जिद बना दिए, यही कर दिए, हम कर दिए, कुछ नहीं किया विकास के नाम पे, कुछ नहीं किया। विकास बड़ा मुद्दा है? हाँ, सबसे। और युवाओं का रोजगार मुद्दा है कि नहीं? बहुत मुद्दा है, रोजगार नहीं मिलता, सब प्लान करता, पंजाब दिल्ली हरियाणा राजस्थान सब अपना अपना जगह जाता है। बिहार और अपने सीमांचल में कोई ऐसा रोजगार नहीं, मजदूर यहाँ काम नहीं है? मेरा सिमरा में इतना बड़ा सरकारी जमीन है, कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं, सब ऐसे है। तो युवाओं का मुद्दा है कि रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, इसी मुद्दे पे वोट होगा? हाँ, इसी मुद्दा पे वोट होगा। तो क्या लग रहा है आसपास देख के, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? शहनवाज जीतेगा। शहनवाज आलम जीतेंगे? हाँ, जीतेगा। अच्छा काम करेंगे? हाँ, अच्छा काम करेंगे। ठीक है, भाई साहब मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? जानी सर। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव आ गया, 7 तारीख को मतदान हो रहा है? मतदान तो है लोकसभा चुनाव, देखिए सब ये पूरे हिंदुस्तान में बिहार का ये एक ऐसा जिला अररिया जो जातिवाद पे ज्यादा वोट होता है, और जातिवाद हम देखते हैं पूरे हिंदुस्तान के इलेक्शन, अररिया जिला के इतना जातिवाद कहीं नजर नहीं आता। यह डायरेक्ट चाहे कोई मुद्दा हो, चाहे यहाँ कोई विकास मुद्दा हो, 4 से 5 साल की छोटी बच्ची आओ, लेकिन यहाँ का जनता जो है जातिवाद पे चला जाता है। कभी मुद्दा विकास मुद्दा हो, कुछ भी मुद्दा हो, यहाँ का जनता कुछ नहीं समझता, यहाँ का जनता एक ही समझता है कि भाई हिंदू मुस्लिम जातिवाद, अगर यहाँ कोई कैंडिडेट हुआ तो मियां कैंडिडेट उसको वोट नहीं देंगे। और रही सवाल इस बार जो है यादव का पार्टी से यह शहनवाज आलम और लालू यादव को, अगर यादव का आबादी यहाँ 14% है अररिया जिला में, अगर वो तेजस्वी यादव को दे वोट तो फिर तेजस्वी यादव का है जीत है, नहीं तो जीत नहीं। हम लिख के देते हैं और आप देख लीजिएगा रिजल्ट के दिन। क्या लग रहा है आपको, यादवों का वोट किधर जा रहा है? कहना मुश्किल है, बोल तो रहा देंगे, हम वही बोले ना कि देगा तेजस्वी यादव समझ के, रोजगार समझ के, संविधान समझ के, संविधान को बचाना समझ के,
रोजगार समझ के, रोजगार अगर चाहता है, विकास हिंदुस्तान में नहीं चाहता है, सबको चाहे कि हमको रोजगार मिले, संविधान बचा रहे, हर चीज मिलजुल रहे, तो तेजस्वी यादव को वोट दे। अगर फिर वो सोचेगा कि वो मुस्लिम है, हम यादव हैं, हम कैसे उसको वोट देंगे, ठीक है, वो वोट देगा तो फिर जाएगा बीजेपी जीतेगा। तो आप क्या कुछ जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से ही कहना चाहते हैं कि आप संविधान को बचाइए, संविधान को देख के वोट दीजिए, संविधान को देख के वोट दीजिए। और तेजस्वी जी को युवा है, रोजगार देगा सबको, वादा किया था, वादा कर रहा है, उम्मीद है कि अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छा रोजगार मिलेगा तो युवा कुशल होगा, रोजगार बढ़ेगा, गरीबी हटेगा, देश का बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। देश में क्या है, मस्जिद मंदिर ये, मतलब ये सब हिंदुस्तान पाकिस्तान ये सब क्या क्या होगा, इससे कुछ होगा? हर आदमी को समझना चाहिए कि भाई हम एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा जीवन यापन, अच्छा स्रोत हो। और भाई जी विकास और बदलाव की तरफ देख रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि विकास और बदलाव के लिए वोट करें। लोकसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल